नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। भक्तों आज मैं आपको बताऊंगा, स्त्री की पैर की मिट्टी से आप किसी को भी पल भर में वशीकरण कर सकते हैं। जिस किसी भी स्त्री या पुरुष की पैर की मिट्टी ले लेंगे, वह व्यक्ति आपको पल भर में आपके प्यार में पागल हो जाएगा। इस कदर से तड़पने लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचा और आप लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। छोटे छोटे उपाय करके आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और मिल सकता है। इधर उधर बिल्कुल भी ना भटकें। और आप लोगों तक एक ही संदेश मैं भेजना चाहता हूँ, जो कमेंट बॉक्स में अपना अपना नंबर देते हैं कि ये गुरु जी का नंबर है, इससे आप कॉन्टैक्ट करिए, इस ये समस्या का समाधान करेंगे। तो ऐसे ऐसे नंबरों से सावधान रहें और कहीं भी बेमतलब का धन व्यर्थ में ना गंवाएं, क्योंकि मेरे जो उपाय होते हैं सक्सेसफुल होते हैं और मैं ऐसा कोई भी उपाय नहीं डालता हूं कि आपका कार्य सफल ना हो। तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों का भरोसा, आपको भरोसा भी दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह इतना सक्सेसफुल टोटका है कि इसे आप आसानी से पल भर में किसी को भी वश में कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ आपको बताऊंगा कि वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्किप बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। कोई घर बैठे यह कार्य आप कर सकते हैं, कोई सामग्री, कोई एक रुपए का खर्चा नहीं होगा आप लोगों का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर यह उपाय करेंगे और आपका काम नहीं हुआ तो मैं फ्री में करके दूंगा। हाँ, कब दूंगा, इसमें एक मेरी शर्त रहती है, जो कि शर्त आप ध्यान से सुन लीजिएगा। शर्त यह है कि जब भी आप उपाय करेंगे, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, पति हैं पत्नी, कोई भी, जो भी आप वीडियो को करने जा रहे हैं, उपाय को करने जा रहे हैं वीडियो को देख करके, तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में, और जिसके लिए करना है उसका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दे देना, तभी मैं फ्री में करके दूंगा अगर आपका काम सक्सेस नहीं हुआ तो। क्योंकि एक इकट्ठा बोझ तो उठाया नहीं जा सकता ना एक अकेले आदमी से। थोड़ा थोड़ा हम आपकी मदद करेंगे, थोड़ा आप करेंगे तो आप लोगों का काम सक्सेस होगा। अपना नाम भेजेंगे, सामने वाले का नाम, तो आप लोगों की मैं हेल्प करूंगा, जितना बन सकेगा उतनी हेल्प करूंगा। तो चलिए मैं वीडियो को अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए आरंगे आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो इसके लिए आपको तीन लौंग की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें थोड़ा सा सिंदूर और एक मौली का धागा टुकड़ा तोड़ लेना है आपको। और इसके साथ पैरों की मिट्टी, उस जिस व्यक्ति को आपको वश में करना है उसके पैरों की मिट्टी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने ये आपको बताया, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप समझा के बताता हूँ वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों का कार्य भी सफल होता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, हाँ गुरुजी मेरा काम सक्सेस हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए, मैंने जैसे इस प्रकार से मैंने मिला लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देने योग्य यह बात है, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, एक मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र को पहले सिद्ध करना है। ऐसे मिलाते जाना है और उस मंत्र को आपको बोलते जाना है, एक पेपर में लिख लें, याद ना रहे तो एक पेपर में लिख लें, ठीक है। और उस मंत्र को आपको सिद्ध करना है 108 बार, ठीक है। 108 बार जब उस आप मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, ये मिलाते जाइए और बोलते जाइए, इस प्रकार से मिलाते जाइए और बोलते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप लोगों को समझ में आएगा, मंत्र को ध्यान से बोलना है, आराम से बोलना, आसन लगा करके बोलना, ठीक है। इसको मोड़ करके अपने घर में छुपा करके रख देना है, कोई देखे ना यह कार्य करते समय, और इसको छुपा करके रखना है, कोई इसको खोल के देख ना सके। घर में कहीं भी किसी भी कोने में दबा के रख दीजिएगा, ठीक है, जहाँ किसी का हाथ ना जाए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, दूसरे दिन आपको मैं दिन भी बताऊँगा किस दिन से स्टार्ट करना है इस कार्य को, ठीक है। इसको दूसरे दिन फिर खोलना है, दूसरे दिन फिर इसी मंत्र का 108 बार दूसरे दिन भी उपयोग करना है, ऐसे मिला करके इसी चीज़ को दोबारा से, ठीक है। मंत्र सेम रहेगा, जो स्क्रीन पे दिया हुआ था मैंने आपको बताया था, मंत्र सेम रहेगा, बोलना 108 बार है दोबारा से दूसरे दिन। अब मैं आपको यह उपाय करने की विधि बताता हूँ किस दिन करना है, ठीक है। यह उपाय आपको मंगलवार से स्टार्ट करना है और आपको बुधवार को ख़त्म करना है, दूसरे दिन आपको ऐसे ही करना है। तीसरे दिन आपको, दूसरे दिन पे जब ये कर लें तो छुपा करके दोबारा अपने घर पे छुपा करके रख लें। तीसरे दिन आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन आपको उस व्यक्ति के घर के पास जाना है, ठीक है। उस व्यक्ति के घर के पास जाना है, थोड़ा सा आधा इसका आधा भाग कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको समझाई दे रहा हूँ, आपके थोड़ा समझ नहीं आ पाएगा
क्योंकि मैं आपसे वादा किया हूँ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इस प्रकार से इसमें एक लौंग रखना है, ठीक है, जो उसके घर के पास फेंकना है उसमें एक लौंग रखना है, ठीक है। आधी आधी मिट्टी करना है, जैसे कि मैंने आधी ये कर दी आधी ये कर दी, ठीक है, आधी आधी करना है। इस उस व्यक्ति के घर के दरवाजे के सामने फेंक देना है, या दरवाजा अगर चाहो तो आप चौखट के बीच में रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो उस दरवाजा के आसपास फेंक सकते हैं, ठीक है। और दूसरी दो लौंग वाली मिट्टी को आपको क्या करना है, आपको वो भी समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे ये चौराहा है, ठीक है, तो बीच चौराहा, ये चौराहा हो गया है, इसमें चार रास्ते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो आपको इस चौराहे के बीच में आपको डाल देना है, ठीक है, इस चौराहे के बीच में आपको डाल देना है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपका प्यार 3 घंटे में आपके वश में होगा, जैसा आप कहेंगे मनचाहा काज करवा सकते हैं उससे, जैसा कहेंगे। रात को अगर दिन बोलेंगे तो वो दिन ही बोलेगा, रात नहीं बोल सकता, अगर रात है आप कहेंगे दिन बोल तो दिन ही बोलेगा वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो निवेदन करता हूँ लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक जय श्री राम भक्तो, राम राम।